નમસ્કાર, જેડેસ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું દીપ્તિ બ્રહ્મભટ્ટ. આગળ વાત કરીએ તો દાદરા નગર હવેલીમાં રિબિન ડેવલપમેન્ટ અંગે જન સુનાવણીનો પ્રારંભ કરાયો. દાદરા નગર હવેલી શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા નવા રિબિન ડેવલપમેન્ટ લઈ કેટલાક મહિનાઓ અગાઉ પ્રસ્તાવના જારી કરવામાં આવી હતી, જેમાં પ્રદેશવાસીઓને પોતાના વાંધા વિરુદ્ધ અને સલાહ સૂચનો કરવાનું જણાવ્યું હતું. શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તાવિત રિબિન ડેવલપમેન્ટ જે માર્ગોના કિનારે, જેમાં રાજ્ય વિકાસ સડક, મુખ્ય જિલ્લા સડક અને ગ્રામ્ય માર્ગો ઉપર પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈને પ્રદેશવાસીઓમાં ભારે વિરોધ ઉઠ્યો હતો, જેમાં પ્રદેશના રાજકીય પક્ષ, સામાજિક સંસ્થાઓ, જાગૃત નાગરિકો સહિત પ્રદેશવાસીઓ દ્વારા કુલ 294 લોકોએ પોતાનો વાંધો, વિરોધ અને સલાહ સૂચનો નોંધાવ્યા હતા. પરંતુ ફરી રિબિન ડેવલપમેન્ટ અંગે જિલ્લા પંચાયત ભવન ખાતે જનસુનાવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઉપસ્થિત નેતા, ઉદ્યોગપતિ, સરપંચો, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ, વકીલોએ એક સુર આલોપ્યો હતો કે અગાઉ જે આ રિબિન ડેવલપમેન્ટનો વિરોધ કરાયો હોવા છતાં ફરી એમ 8 મહિના પછી ફરી આની સુનાવણી રાખવાની જરૂર કેમ પડી. આના કારણે ગ્રામ્ય તેમજ શહેરી વિસ્તારમાં જે વિકાસના કામો થનાર હતા તે પણ એકદમ ઠપ થઈ ગયા છે. આ જનસુનાવણી હજી 3 દિવસ ચાલશે, જેમાં પ્રદેશવાસીઓએ વાંધા વિરોધ નોંધાવ્યો છે. તો અંગે સ્પષ્ટીકરણ વિભાગ દ્વારા તેમના વાંધા વિરોધ અને સલાહ સૂચનો સાંભળવામાં આવશે. તે બાદ અંતિમ નિર્ણય સ્ટેટ ઓથોરિટી લેશે કે પ્રદેશમાં રિબિન ડેવલપમેન્ટ લાગુ કરી શકાય કે નહીં. મુકુલ યાદવ, જેડેસ ટીવી, દાદરા નગર હવેલી. ये डेवलपमेंट, ये रिबन डेवलपमेंट जिस तरह से ड्राफ्ट जारी किया, अगर वो आप अभ्यास करोगे तो कोई एक वर्ग भी नहीं बचता है. गरीब से गरीब वर्ग भी इसमें आ जाता है और अमीर से अमीर वर्ग भी इसमें आ जाता है. एक वर्ग भी नहीं बचता है पूरे टेरिटरी में. आप सोचो पूरी की पूरी टेरिटरी में जितने रोड्स है, जितने रास्ते हैं, जितने सड़कें हैं, चाहे वो विलेज रोड है, गाँव के पाड़ा के रोड है, या हाईवे है, स्टेट हाईवे है, मेन रोड है, कोई सभी के सभी रोड को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है और सभी रोड पे मार्जिन फिक्स कर दिया है, नो डेवलपमेंट जोन. ये तो छोटे से छोटा दूधनी मानदोनी के जो रास्ते के किनारे झोपड़े में रहता होगा, 2-4 गुंठा जगह उसके पास बचा होगा, वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगा. आज जिस हिसाब से अर्बन डेवलपमेंट के डेप्यूटी सेक्रेटरी मोहित मिश्रा ने सबको सुना और जो हियरिंग में उनकी ओर से जो कहा गया, वो हिसाब से अगर हम देखें तो प्रशासन का नज़रिया ये है कि जो भी डेवलपमेंट जिस गति से चल रहा है और फ्यूचर में इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकती है अगर कल उठ के ज़मीन ही नहीं बचेगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये रिबन डेवलपमेंट के ज़रिए वो रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं और नो डेवलपमेंट जोन क्रिएट कर रहे हैं. उनका, प्रशासन का ये नज़रिया है कि भाई फ्यूचर के लिए ये कर रहे हैं कि ज़मीनें बची रहे, कल उठ के कोई डेवलपमेंट करना हो, एम्यूनिटीज़ क्रिएट करनी हो, रिक्रिएशन काम करना हो या वाइडनिंग करना हो रोड का, तो इसके लिए ज़मीनें बचे. हम लोगों ने आज, मैंने अपनी ओर से जो आपत्ति और सुझाव का एक मैंने रिटर्न सबमिशन भी किया है और पहले भी मैंने उसके एक आपत्ति भी जताई थी और सुझाव भी दिए थे. मैंने, मेरे जो भी मुझे अवसर मिला बोलने का, उसमें मैंने उनसे यही कहा कि इस तरह का ये जो, जिस तरह से ये नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें प्रशासन की ओर से साफ असंवेदनशीलता झलकती है. यहाँ के सोशल असेसमेंट नहीं किया गया, इस बात का अभ्यास ही नहीं किया गया कि कितने लोगों की पूरी ज़मीनें चली जाएंगी, कैसे लोग होंगे, गरीब होंगे, सामान्य वर्ग से होंगे या बड़े लोग होंगे, वो असेसमेंट ही नहीं किया गया, जो बहुत ज़रूरी था क्योंकि गरीब लोग और सामान्य लोगों की बचत और उनकी माल मिलकत को सुरक्षित रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है. मैंने खास तौर पर यही कहा कि ऐसे कोई भी विकास के कार्य नहीं होने चाहिए जिसमें प्रदेश के लार्जर, ज़्यादातर आम जनता उसके सपने उसमें चकनाचूर हो जाए या वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए. ऐसा कोई भी प्लान सरकार को नहीं करना चाहिए. दूसरी बात मैंने ये बोली, जब 2014 से 2020 तक के नियम नोटिफाई हो चुके हैं, फिर महज 1-1.5 साल बाकी है तब ये अचानक से रिबन डेवलपमेंट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी है. दूसरी कई सारी खामियां भी है इसमें, उसके बारे में मैंने उन्हें बताया. बीच में उन्होंने, मोहित मिश्रा ने ये बताया कि SMC एरिया में ये प्रोविज़न नहीं है,
तो मैंने उनको बोला कि अगर आप प्रशासन ही मानता है कि एसएमसी एरिया में ये प्रोविज़न नहीं है और वो गलती से ड्राफ्ट में आ गया था तो उसे अमेंडमेंट क्यों नहीं कर दिया। आज 6-7 महीने से अननेसेसरी बिन जरूरी पूरे एसएमसी एरिया का डेवलपमेंट रुक गया है, सीपी अटक गई है, सबकी ओसी अटक गई है, एनए अटक गया है पूरे और मैंने ये भी बताया कि बार बार पिछले 5-6 सालों से कभी फायर, कभी वाइल्ड लाइफ, कभी नेशनल हाईवे, हमारी पूरी इमेज ही जो मेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो है उसमें हमारे टेरिटरी की पूरी इमेज ख़त्म हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कल रोजगार और व्यापार दोनों में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ये टेरिटरी को, अब तक काफ़ी हो ही चुका है। अंत में मैंने और उसमें मैंने एक स्टेटिस्टिक भी बताया कि हमारे 490 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा दादरा नगर हवेली है उसमें सिर्फ 15% जगह आज के रूल के हिसाब से बचा हुआ है जिसमें आप कमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हो प्राइवेट। अब जब 15% बचा है जगह, उसमें ये 15% में भी 55% तो डेवलप्ड हो चुका है जगह, जहाँ बिल्डिंगें बन चुकी है, इमारतें बन चुकी है, यूज़ हो चुका है उसका। अब जब 40% जगह बचा उसके लिए इतना बड़ा रिबन डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी प्रशासन को, ये उनके पास कोई जवाब नहीं था इसका। और मैंने ये भी प्रश्न उठाया कि अगर किसी की पूरी ज़मीनें चली जाएगी, किसी की 20 गुंडा चली जाएगी, 40 गुंडा चली जाएगी, 4 गुंडा चली जाएगी, 2 गुंडा चली जाएगी, उसके पास वो एक ही प्रॉपर्टी होगी जिसने कितने सारे समझौते, कितने कॉम्प्रोमाइज़, कितनी परेशानियां उठा के उसने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखी होगी, उसका इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के बारे में भी प्रशासन ने कुछ भी नहीं सोचा कि उनका क्या होगा। वो बोलते हैं कि उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं, लोन उगा सकते हैं, लेकिन इससे मूल्य ख़त्म हो जाएगा, वो लैंड का, वो प्रॉपर्टी का टोटल मूल्य ख़त्म हो जाएगा। और वो ऐसी कितनी प्रॉपर्टी है, ऐसी कितनी ज़मीन आएगी, उसका कोई अभ्यास इसमें नहीं किया गया। ये बहुत इनसेंसिटिव स्टेप्स है गवर्नमेंट का ये रिबन डेवलपमेंट। और मैंने लास्ट में यही मांग की है कि इसको तुरंत पूरी तरह से खारिज किया जाए, ऐसा नहीं कि कल जहां 75 मीटर बताया वहां 50 कर दे, 30 कर दे, 40 कर दे, या 40 बताया वहां 15 कर दे, 25 कर दे, इसको पूरी तरह खारिज किया जाए। और 2014 से जो 2020 तक के जो अपने रूल है ही उसको फिर से बहाल कर दिया जाए और ऐसे काम किया जाए जिसमें यहाँ की जनता, इस प्रदेश का लार्जर इंटरेस्ट समाया हो। प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो उसी तरह से काम करे, यहाँ के ट्राइबल, यहाँ का सामान्य वर्ग, यहाँ का कुछ भी हो, अगर चाहे उच्च वर्ग भी क्यों ना हो, सबके इंटरेस्ट में काम करना ही प्रशासन का सबसे पहली जिम्मेवारी होती है। और ये इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, इतना बड़ा ये रिबन डेवलपमेंट जिस तरह से इसमें डिस्टेंस बताए गए, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि वो सोशल असेसमेंट को पूरी तरह से करे, लोगों के ऊपर क्या असर होगी, सोशली क्या इफेक्ट होगा, इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट होगा प्रदेश में, रोजगार, व्यापार धंधा, बिजनेस, उद्योग, इस पर क्या असर होगा, ये सब असेसमेंट करने के बाद ही ये रूल्स को उन्होंने एटलीस्ट ड्राफ्ट भी जारी करना चाहिए था। ये आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन ने इस तरह का ड्राफ्ट कैसे जारी किया। सबसे बड़ी बात तो मैंने लास्ट में ये बोली कि ये तो अच्छा है कि टेरिटरी की 70% पॉपुलेशन को आज भी पता नहीं है कि रिबन डेवलपमेंट में क्या है और उसको क्या इफेक्ट हो रहा है, नहीं तो आज ऐसे कितने परिवार होंगे जो शायद बर्बाद